बढ़ते कोरोना के प्रकोप के बीच ग्राम एवं जिला पंचायत के चुनावों ने दस्तक दे दी है। वहीं प्रत्याशियों के लिए प्रचार करना बड़ी चुनौती है। बहुत से प्रत्याशी कोरोना के भय से घर से नहीं निकल रहे। वहीं वार्ड नंबर 24 के युवा कर्मठ प्रत्याशी राम प्रताप गुज्जर घर घर जाकर मतदाताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते नजर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 24 से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी राम प्रताप गुज्जर का तूफानी दौरा नगला भावसिंह एवं आसपास के गांवों में हुआ, जहां सीधे तौर पर जनता ने अपना असीम स्नेह और प्यार राम प्रताप गुज्जर को दिया। इस दौरान जिला पंचायत प्रत्याशी ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई और गांव की जनता से कहा कि अगर अगले 5 वर्ष सेवा का गांववासियों ने उनको मौका दिया तो वे निश्चित तौर पर वार्ड नंबर 24 की दिशा और दशा बदल देंगे। का जनसंपर्क किया गया आपके द्वारा, किन कहां कहां गए हो और कैसा जनसंपर्क रहा आपका आज? आज मैंने जनसंपर्क विजयपुरा से शुरू किया था और डोर टू डोर घर घर जाकर लोगों से मिल रहा हूँ, आशीर्वाद ले रहा हूँ और लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह है जी। एक लहर सी महसूस हो रही है मुझे और इतना बड़ा समाजवादी पार्टी मिला है कि राम प्रताप गुर्जर के घर में जाने से पहले ही लोग इतने उत्साहित है, वो बाहर निकल आते हैं जी। और बहुत बड़ी तादाद में मेरे साथ जनसमूह चल रहा है, लोगों का कतार में कतार बढ़ती जा रही है, जनसमूह बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, ग्राम सभाओं में आपने जैसे जनसंपर्क कर रहे हैं, समस्या आखिरकार कहाँ आ रही है आपको? समस्या किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्याएं असल में क्या है, देखिए जो पिछले में कार्यकाल में जो लोग जो मेंबर बन के गए, उन लोगों ने कभी पलट के नहीं देखा कि हमारे क्षेत्र में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों के बीच में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उन लोगों ने कोई विचार ही नहीं किया। 5 साल तक लगातार, आज 5 साल पूर्ण होने के बाद भी कुछ लोग इस तरीके से कह रहे हैं कि जिला पंचायत के मेंबर बन जाते हैं फिर दिखाई नहीं देते हैं, इस तरीके की बातें आ रही है मेरे सामने निकल के। मैंने लोगों से कहा है कि विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, मैं एक जमीनी कार्यकर्ता हूँ और मैं कहीं ना कहीं जनता के बीच में हमेशा रहा हूँ और आने वाले समय में भी हमेशा आप लोगों के बीच में रहूँगा और जो भूतपूर्व समस्याएं उन पर पूरा प्रकाश और फोकस करने का काम करूँगा और जमीन पर उतारने का भी काम करूँगा। मूलभूत सुविधाएं जैसे क्या क्या है आप लोगों की? क्या मूलभूत समस्याएं गाँव गली मोहल्ले में है? ये समस्याएं गली नहीं ठीक ठाक है, टूटी हुई सड़कें पड़ी हुई हैं गली मोहल्ले में, खरंजे नहीं है ठीक ठाक हैं, नल में पानी नहीं आ रहा है, ये ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं। इन समस्याओं को कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ, दिन में कम से कम 20 से 25 समस्या मैं नोट पर डे के हिसाब से नोट करता हूँ, जनसंपर्क के लिए निकलता हूँ। तो मैंने आश्वासन दिया है कि मुझे एक बार मौका दें, मैं आने वाले समय में मैं सारी चीज़ों का निस्तारण करूँगा, पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ कह रहा हूँ मैं इस बात को। थैंक यू।